गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। सभी प्यारे कृषि विद्यार्थी, आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा शाम 6:25 पर आपको एग्रोनॉमी की थ्योरेटिकल क्लास दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये क्लास आप लोगों के लिए जैट के लिए, CUET के लिए, यूपी कैटेट के लिए, एमपैट एग्जाम के लिए, BCEC एग्जाम के लिए, उसके साथ साथ सुपरवाइजर क्लास के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगी। इसलिए सभी लोग क्लास के लिंक को ज्वाइन करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके भाई बंधु, छोटे जूनियर सीनियर, आपके मित्रगण तक अब ये क्लास पहुंचे, ताकि उनको भी आगे आने वाले एग्जाम में इस क्लास से सहायता मिल सके। तो एक बार सेशन को धमाकेदार शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, कृषि विद्यार्थी आ सके और अपनी शिक्षा को प्राप्त करके आगे की उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सके। सभी का स्वागत है, जैसे रति नागर, राजेश, प्रदीप, रॉयल भील, खुशबू, रोहित कुमार, सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाएं, लिंक को ज्वाइन करके क्लास में लाइव आ जाएं सभी बच्चे। विष्णु कुमार, सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट में। राकेश गोदारा, सभी बच्चे फटाफट से जुड़ें, ताकि क्लास में आप देरी ना हो और जो भी टॉपिक शुरू हो आपको शुरू से सारा मटेरियल मिले, और अंत तक क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई पॉइंट आ रहा है तो इसका नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए पूरी क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे। रजनी, शक्ति सिंह, सभी का स्वागत है इंस्टीट्यूट में। चलिए हम लोग साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट आप सभी प्यारे कृषि विद्यार्थियों के लिए लेकर आया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का नया बैच। तो इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच की अगर हम बात करें, तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है इस नए बैच में। तो आपके सामने एक बात आएगी कि हम क्यों रॉयल में ही कृषि पर्यवेक्षक का बैच लें। तो बात आती है कि अगर हम कृषि पर्यवेक्षक 2021 के रिजल्ट पर प्रकाश डालें, तो 21 का रिजल्ट, रॉयल इंस्टीट्यूट का क्या रिजल्ट रहा, तो देखते हैं कि ओम प्रकाश गोदारा, जिनके राजस्थान में ओवरऑल जनरल कैटेगरी में पहला रैंक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करते हैं, उसके साथ साथ पहले रैंक के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, लगातार चार रैंक, टॉप 5 स्टूडेंट में से लगातार चार रैंक देने वाला आपका अपना रॉयल इंस्टीट्यूट। तो नए बैच से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से अलग अलग बैच की व्यवस्था है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी, जो कृषि पर्यवेक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आपके आगे आने वाले एग्जाम में आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, तो जुड़िए रॉयल की एक अनुभवी फैकल्टी के साथ और अपने सपने को करिए साकार और बनिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगर जो बच्चा काफी देर से लॉन्गियर बैच की प्रतीक्षा में था, तो लॉन्गियर बैच की बात करें, तो ये जो बैच है लॉन्गियर बैच, ये पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई 2023 से। ये लॉन्गियर बैच आपके CUET जेट के लिए लॉन्गियर बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बैच होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेस चलेंगी। तो इस बैच से जुड़ना ना भूलें। जो भी बच्चे लॉन्गियर के बैच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए वो घड़ी आने वाली है 15 मई 2023। विशेष सूचना कि अब 11वीं और 12वीं के साथ ही करें फाउंडेशन बैच की तैयारी बिल्कुल फ्री। अगर आप 11वीं 12वीं की फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के साथ फाउंडेशन बैच की तैयारी करें बिल्कुल फ्री। ये आपको रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है। इसी के साथ क्रम में देखते हुए हम बात करते हैं फाउंडेशन बैच की। तो फाउंडेशन बैच 11th और 12th के लिए जो फाउंडेशन बैच है, उसका एडमिशन ओपन हो चुका है। जो बच्चे फाउंडेशन बैच में, जैसा कि नीट जेई का अगर फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर CUET और जेड का फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं, स्वागत है उन अभ्यर्थियों का। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम से अलग अलग क्लासेस की व्यवस्था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लासेस संचालित की जा रही हैं। तो वे सभी बच्चे जो फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो तुरंत ही संपर्क करें दिए गए संस्था के कॉन्टैक्ट नंबर पर, या फिर आप
डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ऐप और ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी को हासिल करें। चलिए डॉक्टर रमेश राय, लक्ष्मण वीराना, माही राजराम, रजनी, रॉक स्टार दीपक, खुशबू, आशीष एग्रीकल्चर, मिनाल, आरती नगर, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आज हम उसी के क्रम में, जैसा कि हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन के क्रम में हम लोग सीरियल्स क्रॉप पर चर्चा कर रहे हैं। गेहूं हम लोगों ने पढ़ा, धान हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ा, उसके बाद ज्वार पढ़ा, बाजरा पढ़ा, मक्के की खेती को कंप्लीटली हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी के साथ साथ हम आज लेकर आए हैं आपके बीच बारले, जौ की खेती को आज चर्चा करेंगे आपके बीच। तो सभी लोग एक बार फिर से धमाकेदार शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा जुड़ सके इस जौ की खेती से संबंधित जो भी अध्ययन आपके बीच किया जा रहा है, आप सब तक ये लाइव पहुंचे। चलिए देखते हैं, तो बात करते हैं हम लोग बारले, जिसको क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इस बारले को क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वारले की खेती पर, ठीक है। चलिए देखते हैं वारले से संबंधित हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना वारले के बारे में। तो जैसा कि हम लोग हर एक खेती में पढ़ते आए हैं कि उसका एक सामान्य परिचय हर एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। क्या सामान्य परिचय हो सकता है कि उसका वैज्ञानिक नेम क्या है, उसका किस कुल में रखा गया है, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाता है, और उसका फल कैसा होता है, पुष्पक्रम किस प्रकार सा होता है, और उसमें कुछ क्या क्वालिटीज होती हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये सामान्य सी जानकारी हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए। क्योंकि आप रॉयल के स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक जानकारी वो हासिल होनी चाहिए जो कि एग्जामिनर एग्जाम में आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण तरीके से रखता है। चलिए देखते हैं हम लोग, तो बात करते हैं वैज्ञानिक नाम की। तो हम लोग बात करेंगे वानस्पतिक नाम। अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो वानस्पतिक नाम जो जौ का होता है क्या होता है, हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम वल्गेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसको किस कुल में रखा गया है, ठीक है, इसको किस कुल में रखा गया है, किस परिवार में रखा गया है, तो इसका परिवार होता है पोएसी, या इसी का दूसरा नाम है ग्रेमिनी, इसी को और भी बोलते हैं घास कुल, तो इसको इत्यादि नामों से जाना जाता है, ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल। उसके बाद अगर देखें कि इसमें गुणसूत्र की प्रॉपर्टी क्या है, गुणसूत्र कितना पाया जाता है, तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था बाजरे की खेती, तो बाजरे में भी हम लोगों ने क्या देखा था, 2N बराबर 14 देखा था। यहां भी हम लोग 2N बराबर 14 देखेंगे, तो दोनों को एक साथ रखकर भी हम लोग पढ़ लेंगे गुणसूत्र संख्या। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें और क्या देख सकते हैं, इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पत्ति स्थान है। तो देखेंगे हम लोग एबिसिनिया, एबिसिनिया कहां का स्थान है, इथोपिया का, ठीक है। आपको नॉर्मली तो इथोपिया विकल्प में देखने को मिल जाएगा, अगर इन केस कभी आपसे और ज्यादा डीप पूछ ले तो एबिसिनिया विकल्प में आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, एबिसिनिया इथोपिया में पड़ता है। उसके साथ साथ अगर हम और यहां पर डिस्कशन करें तो क्या देख सकते हैं, इसके पुष्पक्रम के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि जो इसमें पुष्पक्रम आता है वो किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो हम लोग देखते हैं स्पाइक, क्या बोलते हैं, स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम होता है। उसके साथ साथ अगर हम इसका देखें कि फल का प्रकार, ठीक है, क्या देखेंगे, फल का प्रकार, कि फल किस प्रकार का होता है, तो फल के प्रकार पर अगर चर्चा करेंगे तो फल इसमें भी कैसा होता है, कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है, कैरियोप्सिस। एक बार सेशन को और धमाकेदार तरीके से शेयर करिए ताकि हर एक वो बच्चा
जुड़ सके क्लास से, जो कि पर डे क्लास को लाइव आके देखता है। चलिए देखते हैं। तो फल का प्रकार की अगर हम बात कर लिए तो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। ये थी एक सामान्य सा परिचय जौ का, जो हम लोग देखे कि वानस्पतिक नाम क्या है, गुणसूत्र कितना पाया जाता है, क्या इसका कुल है, और इसको पुष्पक्रम इसका क्या कहते हैं, फल का प्रकार इसका क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। संदीप रैका स्वागत है आपका, राजेंद्र थालोर, मीरम डागला, सभी का रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसमें और क्या देख सकते हैं। परागण की बात कर सकते हैं कि इसमें परागण कैसा होता है। तो परागण गेहूं की भांति ही कैसा होता है, स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ चुके, कैसा परागण होता है, स्वपरागण होता है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जो इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिफिकेशन, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जो भी चीजें होती हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें पोषण मान होता है। तो पोषण मान पर अगर हम चर्चा करें तो जो जौ का दाना होता है, जो जौ का दाना होगा उसके अंदर क्या पोषण मान पाया जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पोषण मान के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या पोषण मान पाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 74% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वो भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टोज। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका उत्पादन ही इसी वजह से किया जाता है, माल्ट के उद्देश्य हेतु। ठीक है, तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, माल्टोज होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रोटीन परसेंटेज, प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन पाया जाता है 11.5%। और कौन सा प्रोटीन होता है, हार्डिन प्रोटीन या एल्ब्यूमिनाइड, एल्ब्यूमिनाइड। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होगी, हार्डिन प्रोटीन होगी या एल्ब्यूमिनाइड प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वसा प्रतिशत, अगर वसा प्रतिशत की बात करें तो 1.3% क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। कितना, 1.3% इसमें वसा पाया जाता है। यह है इसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बारे में अध्ययन, कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब इस पर जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, माल्टोज पाया जाता है, इस पर हम विशेष रूप से भी चर्चा करेंगे कि इसका एक अहम उद्देश्य है। जौ की खेती क्यों ही की जाती है इंडिया में, उसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में, जौ के बारे में। तो जौ के साथ साथ एक विशेष सूचना, जो कि कृषि पर्यवेक्षक बैच की, कृषि पर्यवेक्षक बैच का नया बैच का आगाज हो चुका है। ये नया बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से संचालित किया जा रहा है। बैच से जुड़ेंगे तो किस एक खास वजह से जुड़ेंगे, तो अपने एक इंस्टीट्यूट के इतिहास की अगर हम बात करें तो 2021 पर्यवेक्षक के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान में पहली रैंक के साथ साथ राज्य के टॉप 5 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट लगातार रॉयल इंस्टीट्यूट से हैं। तो आप भी अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, कृषि पर्यवेक्षक के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं भविष्य के दिनों में, तो आप जुड़िए, आपका स्वागत है रॉयल इंस्टीट्यूट के पर्यवेक्षक बैच में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो ये जौ के ग्रेन्स पड़े हुए हैं, दाने हैं, इनसे हम लोग उत्पादन वगैरह देख लेंगे। तो उत्पादन के केस में अगर हम विश्व की बात करेंगे कि विश्व में इसके उत्पादन से रिलेटेड क्या चर्चा करेंगे, तो विश्व के अगर हम सिनेरियो में इसके उत्पादन पर चर्चा करें
तो देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादन इसका कहां होता है। अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक उत्पादन की, तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है जौ का, वो उत्पादन होता है रसिया में। कहां होता है? रसिया में होता है। अगर अपने भारत की रैंक देखें उत्पादन के क्रम में, तो भारत की रैंक बहुत नीचे है, 22 नंबर पर भारत आता है जौ के उत्पादन में। अगर भारत की रैंक देखें पूरे विश्व में, अगर रैंक देखें भारत की, तो भारत की रैंक आती है 22 नंबर पर, 22वें नंबर पर भारत आता है अपना विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें जौ के केस में। और अपन इंडिया की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो अगर भारत की बात करें और उत्पादन पर चर्चा की जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन 2007-08 तक तो यूपी नंबर वन था, यूपी में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ करता था जौ का। परंतु आज के समय में राजस्थान देश के 53% जौ का उत्पादन कर रहा है, तो नंबर एक पर क्या है? राजस्थान। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे ज्यादा जौ उत्पादन कहां हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, पूरे भारत का अकेले 53% ये जौ का प्रोडक्शन करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्पादकता की, तो उत्पादकता के केस में पंजाब आएगा। अगर हम उत्पादकता देखें जौ की, तो कौन सा स्टेट होगा हमारा? पंजाब। उत्पादकता में पहला स्टेट का नंबर है पंजाब का। अब उत्पादक क्या, उत्पादकता होता क्या है? पर हेक्टेयर जो मिलने वाली उपज होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? उत्पादकता कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसके उत्पादन से संबंधित डेटा पर चर्चा कर लिए। उसके आगे हम लोग बात करेंगे जौ से संबंधित अन्य गतिविधियों पर, जैसे देखेंगे कि जौ सभी खाद्यान्न फसलों में जौ सभी अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक लवण अवरोधी फसल है, साल्ट टॉलरेंट फसल है, सर्वाधिक लवण अवरोधी फसल है। इस पॉइंट को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट कौन सी सीरियल क्रॉप है, तो जौ होती है। और भी सीरियल हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, बट सर्वाधिक अगर बात करेंगे ओवरऑल सीरियल की, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट कौन सी है? जौ है। ठीक है, अब जौ से और भी चीजें हम लोग संबंधित वार्तालाप करेंगे, जैसे जौ का उपयोग गुर्दे से संबंधित रोगों के उपचार में किया जाता है, जो किडनी से रिलेटेड डिजीज होते हैं उनमें जौ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आईसीएआर का पेपर कब है, मई के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि जौ से संबंधित और, तो जौ का एक स्थान क्या है खाद्यान्न फसलों में या अनाज वाली फसलों में? तो लिखेंगे जौ अनाज वाली फसलों में गेहूं, धान एवं मक्का के बाद
कोई कमेंट कर रहा है सर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, मक्का के बाद चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर है जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं गेहूं धान मक्का, उसके बाद क्या है चौथे नंबर पर किसका नाम आता है, जौ का आता है। तो जौ से संबंधित ये कुछ पॉइंट थे महत्वपूर्ण पॉइंट, इनका आप लोग सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ऐसे ही एज इट इज आप लोग रट लीजिएगा। इन तीन पॉइंट में से एक पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिविटी पंजाब धर्मपाल, देखिएगा अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं जलवायु के केस में, कि जलवायु के बारे में देखते हैं कि जौ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु के केस में अगर हम देखेंगे, ठीक है, हाँ सर जौ में यूपी नहीं है क्या, प्रदीप सरन, यूपी पहले था अब वर्तमान में राजस्थान नंबर एक पर है। जलवायु की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, ठंडी एवं नम जलवायु, ठंडी एवं नम जलवायु, गेहूं की तरह कूल एंड मॉइस्ट जलवायु, तो ठंडी और नम जलवायु इसको चाहिए। अब अगर बात करें कि इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, मृदा की बात करेंगे तो गहरी दोमट मिट्टी, डीप लोमी सॉयल, गहरी दोमट मिट्टी, अब अगर इसी के साथ बात करेंगे कि इसके लिए तापमान कितना चाहिए, तापमान की अगर हम बात कर लें साथ ही साथ कि जौ की खेती के लिए एक अच्छा तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, कितना 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जौ कैसा पौधा है, C3 पौधा है, कैसा है C3 पौधा है, उसी के साथ साथ ये कैसा पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट, मतलब दीर्घ प्रकाश अवधि पौधा है, ठीक है, दीर्घ प्रकाश अवधि, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट कह सकते हैं इसको, दीर्घ प्रकाश अवधि वाला पौधा है। कैसा है, लॉन्ग डे प्लांट है, उसके साथ साथ C3 पौधा है, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये सब सारी चीजें इसके जलवायु से संबंधित हैं, इस पर भी एक बार नजर डालिए कि यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जौ कैसा पौधा है, C3 और लॉन्ग डे प्लांट के केस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपके सामने एक पेय पदार्थ है जो कि अल्कोहलिक बेवरेज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये कैसे बन के तैयार हुआ। तो ये है लिगुरी, इसको बोलते हैं हम लोग लिगुरी, क्या बोलते हैं इसको, लिगुरी बोलते हैं। ये कैसे तैयार किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इधर समझेंगे। जैसा कि जौ होता है तो जौ का एक दाना है, जौ का जो दाना है इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डुबोते हैं, पानी में इसको भिगोते हैं, कितनी देर के लिए भिगोते हैं, 2 से 3 दिन तक इसको भिगोते रहते हैं पानी में। जब यह पानी में भीग जाता है तब इसमें क्या होता है, स्प्राउटिंग होती है, स्प्राउटिंग होती है, स्प्राउटिंग मतलब कलियां निकलनी लगती हैं, ठीक है, अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, अंकुरण जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। क्यों अंकुरण हम लोग प्रारंभ करते हैं इसमें, इसकी भी वजह हम बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं जब ये स्प्राउटिंग होने लगा तो इसमें क्या होगा, अंकुरण होता है,
अब जब अंकुरण होता है तो बीज में दो चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, एक तो भ्रूण, दूसरा भ्रूणकोश, दूसरा भ्रूणकोश जो होता है। अब ये भ्रूण और भ्रूणकोश का सेंस क्या है यहां पर? जो भ्रूण होता है ये जड़ और तने का निर्माण करता है, ये भ्रूणकोश इसे पोषण देता है। क्या देता है? इसे पोषण देता है। और भ्रूणकोश में ही क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है भ्रूणकोश में ही। अब इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है एक एंजाइम का नाम है, उसका नाम होता है अल्फा एमाइलेज। क्या नाम है? अल्फा एमाइलेज। अब ये अल्फा एमाइलेज है ये अंकुरण के समय ही उपस्थित होता है बीज में। कब उपस्थित होता है? अंकुरण के समय। इसको ध्यान से समझेंगे कि ये जो अल्फा एमाइलेज है ये अंकुरण के समय ही बीज में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्ट में बदलता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, जब ये माल्टोज में बदल जाता है एमाइलेज एंजाइम के साथ, तब हम यहां पर क्या करते हैं? इसको रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं? अंकुरण को। और बीज को क्या कर देते हैं? ड्राई कर देते हैं, बीज को सूखा कर देते हैं। अब सूखा करने के बाद बीज को हम क्या करते हैं? भून लेते हैं, भूनते हैं। ठीक है, भून लेते हैं, रोस्टेड कर लेते हैं बीज को। अब यही रोस्टेड बीज क्या कहलाता है हमारा? माल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है यही रोस्टेड बीज। तो अगर पूछा जाए कि जौ का उत्पादन ही क्यों करते हैं, तो माल्ट के उद्देश्य से। अब इस माल्ट से क्या तैयार किया जाता है? ये लुगरी नामक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। तो ये माल्ट की कहानी कहां से निकल कर आई? ये दाना मिला जौ का, उसको हम पानी में भिगो दिए 2 से 3 दिन तक, तब उसमें थोड़ा थोड़ा स्प्राउटिंग शुरू हुई और स्प्राउटिंग के बाद अंकुरण होने लगता है। अंकुरण के समय ही अल्फा एमाइलेज बीज में उपस्थित होता है, जो स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। अब यहां पर सावधानी बरतनी होगी कि माल्टोज को हम कैसे कंजर्व करें। अगर हम इस अंकुरण को रोकेंगे नहीं यहां पर, तो ये पौधा बन जाएगा और हमारा माल्ट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अंकुरण को रोकने के लिए बीज को हम ड्राई कर देते हैं, और यही ड्राई बीज जब भून लेते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? माल्ट कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माल्ट। और इसी का प्रयोग होता है लिगुरी नामक पेय पदार्थ बनाने में। क्या? पेय पदार्थ बनाने में। अब ये पेय पदार्थ लिगुरी क्या है? एक अल्कोहलिक बेवरेज है। क्या है? अल्कोहलिक बेवरेज। इससे बियर भी बनाई जाती है, बिस्की भी बनाई जाती है जौ से। अभी आगे हम बताएंगे कि एक ऋतुम्बरा वेराइटी है, उस वो बियर बनाने के लिए स्पेशल मानी जाती है। ठीक है, तो ये लिगुरी के बारे में अगर पूछा जाए तो यहां से सारी ये कहानी इस पर आधारित है कि लिगुरी बनती है तो कैसे बनती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आएगा कि लिगुरी नामक पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? जौ से। माल्ट किससे प्राप्त होता है? जौ से। माल्ट किसे कहते हैं? जौ के भुने हुए दाने को या जौ के सूखे दाने को कहते हैं। या जौ का उत्पादन मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो माल्ट उत्पादन के लिए। यहां लिख लेना कि जौ का मुख्यतः उत्पादन, मुख्यतः खेती, जौ की मुख्यतः खेती माल्ट उत्पादन हेतु की जाती है। माल्ट उत्पादन हेतु की जाती है, हेतु की जाती है। ठीक है, किसके उत्पादन हेतु? माल्ट उत्पादन हेतु की जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं, लुगदी नहीं है, लुगरी है, लुगरी लिगुरी। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं जौ की बीज दर से संबंधित चीजों पर, कि बीज दर से संबंधित चीजों को हम कैसे देखेंगे। तो यहां पर बीज दर की बात कर लेते हैं। तो बीज दर की अगर हम बात करेंगे, अगर सारी स्थिति सामान्य है, सामान्य कहने का मतलब है कि समय पर हम बुवाई कर रहे हैं, हमारी भूमि सिंचित है, तो उस कंडीशन पे जौ की कितनी बीज दर रखेंगे? आईसीआर ने क्वेश्चन पूछ रखा है 75 केजी पर हेक्टेयर।
कितनी रखेंगे 75 केजी पर हेक्टेयर। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बीज दर है। अगर कंडीशन कैसी आ जाए, सॉयल कैसी है, लवणीय है, अगर भूमि लवणीय है या असिंचित भूमि में हम खेती करने जा रहे हैं जौ की, तो हमारे लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए जौ की खेती के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर। कितना 100 केजी पर हेक्टेयर। ये असिंचित और लवणीय भूमि के लिए बीज दर होती है। जो 100 से 125 होती है वो एनसीईआरटी मानती है कि 100 से 125, बट आईसीआर जब एग्जाम होता है आईसीआर का, तो आपको यही दो बीज दर आपको रटनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में यही आंसर सही किया जाता है। चलिए उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि बीज की गहराई कितनी रखते हैं, जो बीज बोते हैं उसकी गहराई कितनी रखी जाती है। बीज की अगर गहराई की बात करेंगे तो गेहूं की भांति 4 से 5 सेंटीमीटर, कितना 4 से 5 सेंटीमीटर जमीन के अंदर बीज डालते हैं बुवाई के समय। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बीज का अंतरण कितना रखते हैं या पौध का अंतरण कितना रखते हैं। पौध अंतरण, प्लांट स्पेसिंग कितना रखते हैं, तो पौध अंतरण की अगर हम बात करेंगे तो 22.5 × 5 से 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। ये क्या होता है 22.5 × 5 से 10 सेंटीमीटर, ये पौध लाइन से लाइन की दूरी, ये पौध से पौध की दूरी, ये रो टू रो होती है, ये प्लांट टू प्लांट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बुवाई का समय कि किस समय जौ को बोना चाहिए, बुवाई का समय, तो समय की बात करेंगे सबसे अच्छा समय माना जाता है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का समय जौ का सबसे अच्छा उपयुक्त समय माना जाता है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। कितना 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है जौ के उत्पादन के लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो लॉन्गियर बैच की अगर हम बात करें तो आपके लॉन्गियर बैच का पहला बैच जो स्टार्ट हो रहा है 15 मई 2023 से, जो कि बैच CUET और ZET के लिए होगा। और अगर इसमें बात करें कि बैच की क्वालिटी क्या है, तो बैच एक अनुभवी फैकल्टी के द्वारा संचालित किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अलग अलग क्लासेस की व्यवस्था, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था, दोनों माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी। अब हम बात करते हैं जौ का वर्गीकरण। जौ के वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे जौ में 2 रो और 6 रो वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि 2 रो और 6 रो ये होता क्या है। तो अगर हम जौ के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तो एक तो होता है 2 रो बार्ले, एक होता है 6 रो बार्ले, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 2 रो बार्ले, ठीक है, 2 रो बार्ले लिखते हैं। इसको एक तरफ लिखेंगे हम लोग 6 रो बार्ले, 6 रो बार्ले, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग एक बहुत ही अच्छी जानकारी देखेंगे कि दोनों के बारे में हमें क्या पढ़ना है। पहला तो हम लोग नाम देखेंगे, इसका नाम क्या होता है, तो नाम देखेंगे हार्डियम डिस्टिंकॉन या नाम होता है हार्डियम इरेगुलर। क्या नाम होता है, हार्डियम इरेगुलर। अब यहीं पर देख लीजिएगा कि ये 2 रो बार्ले होता क्या है, ये बार्ले की ईयर है, ठीक है, ये बाली है, इसमें अगर इस टाइप से दाने होंगे, एक रो ये गई, एक रो इधर और एक रो इधर, अगर ये 2 रो के रूप में दाने इसमें उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं तो ये 2 रो बार्ले कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 रो बार्ले कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब इसमें दाने एक पंक्ति इधर की ओर जा रही हो, दाने की एक पंक्ति इधर की ओर जा रही है, जैसे ये पॉइंटर क्या है, ईयर है, बाली है, इस तरफ दाने लगे हैं और इस तरफ दाने लगे हैं, इसको बोलते हैं 2 रो बार्ले,
ठीक है। अगर यही हम बात करें सिक्सरो बार्ले की, तो जो नाम होता है हार्डियम वुलगेयर, ये किसका नाम होता है? ये सिक्सरो बार्ले का नाम होता है, ठीक है। इसमें दाने कैसे होते हैं? तो इसमें दाने, एक तो ये सिस्टम, इधर इधर दाने निकले रहते हैं, और दो रो इसी के जस्ट पीछे, दो रो जस्ट इसी के आगे, जैसे दो रो इधर, दो रो इसके पीछे और दो साइड में, तो ये सिक्स रो बार्ले कहलाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट टू रो बार्ले और सिक्स रो बार्ले का यहां पर क्लियर होता है कि जिसमें बालियों में दाने दो साइड से निकले होंगे उसे टू रो बार्ले कहेंगे, जिसमें दाने छह रो से निकलेंगे तो क्या होते हैं? सिक्स रो बार्ले बोलेंगे, ठीक है। सर ये तो हमें आप में नहीं बताया, क्या नहीं बताया, ये तो हम बता ही रहे हैं, ठीक है। तो हार्डियम बल्गेयर की बात किए, दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि भारत में मुख्यतः यही उगाया जाता है, भारत में मुख्यतः यही उगाया जाता है, यही उगाया जाता है। कौन सा उगाया जाता है? सिक्स रो बार्ले उगाया जाता है। तो अब टू रो और सिक्स रो कभी भी आए घबराएंगे नहीं, बस उसकी बालियों में दानों की उपस्थिति के आधार पर उसको टू रो और सिक्स रो में बांटते हैं हम लोग, दोनों का हम लोग नाम देख लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, कुमार सुनील राजपुताना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टू रो और सिक्स रो बार्ले का, उसके बाद ठीक है हम लोग देखते हैं आगे, देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे वैरायटी पर, चर्चा करेंगे। तो वैरायटी पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वैरायटी देखेंगे, सबसे पहली बात करेंगे छिलका रहित। अब ऐसी वैरायटी हम लोग देखेंगे जिसमें छिलका ना पाया जाता हो, छिलका रहित, ये फार्मर की डिमांड पे वैरायटी डेवलप की जा रही है छिलका रहित। तो छिलका रहित में देखेंगे कि क्या देखेंगे हम लोग, डोलमा, एक डोलमा वैरायटी है, उसके साथ साथ करण 18 और करण 19, ये फार्मर की डिमांड पे डेवलप की गई वैरायटी करण 18, करण 19, उसी के साथ साथ डोलमा, ये क्या है? छिलका रहित वैरायटी है। कैसी है? छिलका रहित, इसमें छिलका नहीं होता है। आगे इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे लवड़ अवरोधी, मतलब ऐसी वैरायटी जो लवड़ के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंसी उनके अंदर पाई जाती हो। तो लवड़ अवरोधी की बात करेंगे तो RD2052 की बात करेंगे हम लोग, और राज किरण की बात करेंगे। किसकी? राज किरण की। ये दो वैरायटियां जो हैं लवड़ अवरोधी वैरायटी के रूप में जानी जाती हैं। किसके? लवड़ अवरोधी वैरायटी के रूप में जानी जाती हैं। उसके बाद अगर हम और वैरायटी देखें एक, तो लवड़ अवरोधी के रूप में हम लोग देख सकते हैं, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, लवड़ अवरोधी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो लवड़ अवरोधी देखेंगे BL2 और अंबर, अंबर एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो लवड़ अवरोधी की हम बात करेंगे BL2, जिसे बिलाडा 2 और अंबर बोलते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें टू रो बार्ले की, जो टू रो बार्ले की जो वैरायटी है उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, टू रो जौ की वैरायटी अलग अलग जो होती हैं, तो टू रो जौ की जो वैरायटी है उस पर हम लोग देखेंगे कौन सी वैरायटी टू रो जौ के अंतर्गत आती है, जैसे रेखा, अल्फा 93 और क्लीपर, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्लीपर। क्लीपर कैसी है? टू रो वैरायटी है, ठीक है, टू रो बार्ले वैरायटी है। तो ये जो तीन वैरायटी है कैसी है? रेखा, अल्फा 93, क्लीपर, ये टू रो बार्ले वैरायटी कहलाती हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे मोल्या रोग रेसिस्टेंट, मोल्या रोग अवरोधी प्रजातियां। तो मोल्या रोग अवरोधी वैरायटियों के बारे में देखेंगे तो राजकिरण और RD2052
ठीक है, ये वैरायटी हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं अन्य प्रजातियां जो छिलका सहित होंगी, जिनमें छिलका पाया जाएगा, छिलका सहित। तो छिलका सहित के बारे में हम लोग देखेंगे वैरायटियों के नाम, जैसे कैलाश, ज्योति, विजय, प्रगति, हिमानी, केदार, प्रखर, आजाद। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ और भी वैरायटी देखेंगे। इस साइड में हम लोग वैरायटी लिख लेंगे। अदर वैरायटी के केस में हम लोग देखेंगे ऋतुम्बरा, ऋतुम्बरा, उसके बाद लिख लेंगे हम लोग हरितमा, हरितमा। ठीक है, ये वैरायटी है रत्ना, इसी में आ जाएगी रत्ना। ठीक है, तो ये वैरायटी है जौ की। इसके बाद में हम लोग देखेंगे छिलका सहित या छिलका रहित, कहने का मतलब जो ऊपर का छिलका होता है, जो छिलका रहित होती है उसमें छिलका नहीं पाया जाता है, बाकी वैरायटियों में छिलका पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे हम बताते हैं ऋतुम्बरा के बारे में, एक स्पेशल क्वालिटी जो कि ऋतुम्बरा जिसके लिए उगाई जाती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं याद कैसे करेंगे, बिल्कुल याद होगी, उसके पहले हम लोग ऋतुम्बरा के बारे में देख लेते हैं। ऋतुम्बरा की एक खासियत है, जो ये ऋतुम्बरा वैरायटी है अगर देखा जाए तो ये वैरायटी निकाली गई है चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर, ये कानपुर से निकाली गई है। इसकी खास बात क्या है, ये माल्ट के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। किसके लिए, माल्ट हेतु उपयुक्त। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि माल्ट के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, सबसे उपयुक्त वैरायटी तो ऋतुम्बरा है। माल्ट हमने बता ही दिया कि माल्ट क्या होता है। ठीक है, तो माल्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जौ के सूखे दाने, जौ के सूखे दाने को माल्ट कहते हैं। अब सूखे दाने को क्यों हम माल्ट कहते हैं, क्योंकि सूखे दाने में ही क्या होता है, माल्टोज कंजर्व होता है, उसी से हम लोग लिगुरी और बियर वगैरह बताते हैं। आजाद वैरायटी तो हमने बता दी है कि आजाद लिखी है वैरायटी। ठीक है, तो ये था ऋतुम्बरा के बारे में स्पेशल कैरेक्टर जिसके लिए ऋतुम्बरा उगाई जाती है। उसके बाद जौ से संबंधित कुछ अन्य बातें जिस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। हाँ, आगे बात कर लें कि विश्व में सबसे पहले किसकी खेती प्रारंभ हुई, तो इसी बॉक्स में हम एक पॉइंट लिख लेंगे कि मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में सबसे पहले किस खेती की शुरुआत हुई, तो लिख लेंगे विश्व में सबसे पहले किस फसल की खेती की शुरुआत हुई, किस फसल की खेती की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई, तो यहां पर आंसर लिखेंगे जौ की। ठीक है, किसकी शुरुआत हुई, जौ की शुरुआत हुई। जौ और गेहूं की एक ही साथ शुरुआत हुई थी, तो मगर इन दोनों में अगर पहला देखा जाएगा तो जौ देखा जाएगा। कब हुई थी, तो 7500 बीसी में हुई थी। कब, 7500 बीसी में। कहां हुई थी, मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में। इसकी खेती के साक्ष्य मिले थे कि इसकी खेती 7500 बीसी में की गई होगी, इसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, कब, 7500 बीसी में। विश्व की सबसे पहली क्रॉप जो कल्टीवेटेड की गई वो जौ है, हमारी बारले है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
आगे बात करते हैं हम लोग इससे संबंधित अन्य चीजों पर, जैसे सिंचाई की बात कर लेते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, तो इसके सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था है, अगर हम क्रांतिक अवस्था के बारे में बात करें, क्रांतिक अवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे सबसे पहली जो अवस्था होती है कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, निकलते समय। अब इसको हम बोलते हैं एक्टिव टिलरिंग स्टेज। क्या बोलते हैं? एक्टिव टिलरिंग स्टेज। इसको ध्यान रखना, इसी स्टेज की सिंचाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बुवाई के 30 दिन बाद होती है, 30 दिन बाद बुवाई के 30 दिन बाद इस पर सिंचाई करते हैं। उसके बाद बीच में एक और स्टेज ले लेते हैं, पेनिकल इनिशिएशन, बाकी वो क्रांतिक अवस्था नहीं होती है। ठीक है, क्रांतिक अवस्था नहीं होती है। श्याम सुंदर सर, मेरे 11 एग्रीकल्चर में 80 नंबर आया है, बहुत सही श्याम सुंदर, अच्छा रिजल्ट आपका है, यूपी में ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपका 12th में भी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दाना बनते समय, दाना बनते समय। तो ये दो स्टेज पर इसकी सिंचाई सबसे उत्तम मानी जाती है। पहली सिंचाई कल्ले निकलते समय, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की। अगर इस स्टेज पर इरिगेशन नहीं देंगे हम लोग, तो उसके कल्ले का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, टिलरिंग प्रोसेस अच्छी नहीं हो पाएगी, जिससे क्या होगा, टिलर अच्छे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन हमारा अच्छा नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, बात करते हैं हम लोग कि जौ से संबंधित चीजें, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले रिसर्च। अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले रिसर्च, तो कहां स्थित है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड वार्ले रिसर्च देखेगा। अगर हम लोग बात करें जौ से संबंधित कुछ अच्छी चीजों पर, जैसे कि अगर हम पहले आपको बता चुके हैं क्लाइमेट सीड के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जौ से संबंधित। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके उपज की, तो उपज पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। जो इसकी उपज प्राप्त होगी हमें, वो 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होगी, 35 से 40 क्विंटल हमें इसकी उपज प्राप्त होगी। अब ये उपज हमारे पास आ चुकी है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो भंडारण में हम लोग देखेंगे एक विशेष बात इसमें आती है, भंडारण हम लोग करेंगे 10 से 12% नमी पर। कितना, 10 से 12% नमी जो होगी किसमें, दानों में, जो 10 से 12% नमी होगी दानों में, तब इसका हम लोग भंडारण करते हैं। ठीक है, तब इसका भंडारण करते हैं। अब बात आती है, इसका भंडारण 10 से 12% नमी पर तो करते हैं, परंतु इसके दाने में एक विशेष चीज होती है कि इसका दाना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें नमी और ज्यादा आ जाएगी और वो जर्मिनेट करने लगेगा या खराब हो जाएगा बीज। तो एक विशेष सावधानी यहां पर यह बरती जाती है, इसके भंडारण में एक सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपको हम बता दिए हैं कि दाना नमी को अवशोषित करता है। सावधानी क्यों, तो दाना नमी को अवशोषित करता है, तो क्या सावधानी होना चाहिए, हमेशा भंडारण, हमेशा भंडारण ऊंचे स्थानों, ऊंचे स्थानों एवं नमी युक्त स्थान से दूर करते हैं, एवं नमी युक्त स्थान से दूर करते हैं, स्थान से दूर करते हैं। जो भंडारण इसका करेंगे,
वो नमी वाला एरिया ना हो और ऊंचे स्थान पर हम लोग भंडारण करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मैंने आपका इंस्टीट्यूट पहले से नहीं मिला था, नहीं तो 11 में 90% होंगे। कोई नहीं, अब 12th में आपको इंस्टीट्यूट मिल चुका है, आप बढ़िया से अपने रिजल्ट को हासिल करिए। श्याम सुंदर, तो हम लोग सावधानी क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि दाना क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है। लिख लेंगे, क्योंकि दाना नमी को अवशोषित करता है, क्योंकि दाना नमी को अवशोषित कर लेता है, नमी को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, इसीलिए इसका भंडारण हमेशा ऊंचे स्थानों पर करना चाहिए और जो क्या हो, नमी युक्त स्थान ना हो। जेहान लाल सोटिया, बिल्कुल रामायण चलेगी जेट का, आप लोग बिल्कुल सब्र रखिए, आपको बढ़िया से रामायण दिखाई जाएगी, पूरी रामायण चलेगी जेट के ऊपर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भंडारण क्यों हम ऐसी जगह करते हैं, उसका रीजन क्या है एक, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं 11th और 12th के फाउंडेशन बैच के बारे में। तो ये बैच का जो एडमिशन है वो ओपन हो चुका है। ये बैच नीट जेई के बच्चे जो भी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो CUET और जेट का कोर्स लेना चाहते हैं, उन बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्लासेस उपलब्ध हैं। जिस माध्यम में जो बच्चा क्लास लेना चाहता है उसके लिए उस क्लास की व्यवस्था है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में चलेंगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी की क्लासेस और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं जौ से संबंधित। तो ये डिजीज एक दिखाया गया है, कौन सा डिजीज है, मोलया डिजीज है, मोलया रोग है। ये किसकी वजह से लगता है, इसका कारक कौन है, तो कारक है सूत्रकृमि। कौन सा कारक है, सूत्रकृमि है। तो जो सूत्रकृमि होता है इसका नाम क्या होता है ये देखेंगे, तो नाम होता है हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा एविनी। क्या नाम होता है, हेटेरोडेरा एविनी। इसको हम लोग बोलते हैं सीरियल सिस्ट निमेटोड। क्या बोलते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड बोलते हैं, ठीक है, सीरियल सिस्ट निमेटोड इसको बोलते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड, सीरियल सिस्ट सूत्रकृमि इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं, सीरियल तो आपको पता है, सूत्रकृमि भी पता है, निमेटोड क्यों बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम बात करते हैं ये सिस्ट क्या होता है। तो जो फीमेल प्रेग्नेंट जो बॉडी होती है किसकी, निमेटोड की। तो जो निमेटोड की फीमेल होती है, सी टाइप स्ट्रक्चर होता है उसका, वो अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में ही डेथ उसकी हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक सिस्ट टाइप का बना लेता है, एक ट्यूमर टाइप का बनता चला जाता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं या गांठ बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड। कौन सा है, हेटेरोडेरा एविनी। यही एविनी लगता है इसकी जड़ों में और जड़ों को बिल्कुल खोखला कर देता है, जिससे पौधा क्या होता है, फॉल डाउन कर जाता है ग्राउंड सरफेस पर, इससे उसकी इल्ड प्रभावित होती है। इस रोग की अगर खोज देखा जाए तो खोज राजस्थान की बात करें तो नीम का थाना सीकर में हुई थी, नीम का थाना सीकर, जहां राजस्थान का पहला KBKB फतेहपुरा में 1976 में बनाया गया था। सीकर की अगर बात करें तो राजस्थान का पहला KBK 1976 में बनाया गया, कहां, सीकर में, फतेहपुरा एक क्षेत्र है फतेहपुरा में। तो ये हम लोग मोलया डिजीज के बारे में पढ़ लिए, मोलया डिजीज क्या है। आगे हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित एक अन्य बीमारी पर, जो कि कवर्ड स्मट के रूप में जानी जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत कंडुआ। कैसा बोलते हैं, आवृत कंडुआ। गेहूं में हम लोग पढ़े थे अनावृत कंडुआ, कहने का मतलब जो उसके ऊपर हल्की सी लेयर पाई जा रही थी, जो पन्नी जैसी झिल, जो पॉलिथीन जैसी एक लेयर है, वो उसमें रैप्चर हो जा रही थी। गेहूं में जो लूज स्मट था उसमें रैप्चर हो जा रही थी, परंतु इसमें जो स्मट सोराई है वो कवर्ड रहता है, वो रैप्चर नहीं होती है। और जो
पुष्पक्रम वाला पोर्शन होता है जहाँ पर बालियाँ आती हैं, वहीं पर सूटी चारकोली माउल्ड पाउडर जो होता है स्मट सोराई यहाँ पर डेवलप हो जाता है और ग्रेन का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से नहीं होता है, जिससे इल्ड की क्वालिटी है वो पुअर हो जाती है आवृत कंडुआ की वजह से। ये क्या होता है आवृत कंडुआ, किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। किससे होता है? कवक के द्वारा होता है। इस कवक का नाम क्या होता है? आस्टिलेगो, आस्टिलेगो हार्डाई, आस्टिलेगो हार्डाई। आस्टिलेगो हार्डाई, ठीक है। तो आस्टिलेगो हार्डाई के द्वारा ये रोग होता है कवर्ड स्मट। तो ये कैसा रोग है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये है बाह्य परजीवी। कैसा है? बाह्य बीज परजीवी, बाह्य बीज परजीवी, एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है। कैसा है? बाह्य बीज परजीवी। और जो गेहूं का लूज स्मट था वो आंतरिक बीज परजीवी था। कैसा था? आंतरिक बीज परजीवी था। तो ये हम लोग बात कर लिए जो बारले से संबंधित रोग थे, उन रोग पर हम लोग चर्चा कर लिए कि कौन कौन से रोग बारले में लग रहे हैं। तो हम लोग देखे मोल्या रोग लग रहा है और जो ये कवर्ड स्मट लग रहा है, ये भी हम लोग बारले से संबंधित चर्चा कर लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं गेहूं और जौ में विशेष अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें एक तरफ गेहूं की और एक तरफ बात करें जौ की, तो इनके पौधे में बहुत ही कंफ्यूजन होती है जब ये वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं। तो अंतर की अगर हम बात करें तो कुछ एकाद अंतर जो आते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जिनसे हम वेजिटेटिव ग्रोथ में पहचान सकते हैं। जैसे देखते हैं गेहूं की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो जौ की अपेक्षा, जौ की अपेक्षा धीमी होती है, जौ की अपेक्षा धीमी होती है। पहला पॉइंट एक अंतर का निकल के आया, वृद्धि अवस्था में कैसे इसको पहचानेंगे। दूसरा इधर हम देखते हैं जो जौ की वृद्धि है वो तेज होती है, जौ की वृद्धि गेहूं से तेज होती है। किससे? गेहूं से तेज होती है। ये पहला अंतर हमारे सामने निकल के आया। उसके बाद अगर बात करें दूसरे अंतर पर बात करें, तो जो इसका रंग होता है, पौधे का जो रंग होगा, पौधे का रंग गहरा हरा होता है। कैसा? गहरा हरा होगा। और इधर जो पौधे का रंग होगा वो हल्का हरा होगा। कैसा होगा? पौधे का रंग हल्का हरा होगा। कैसा होगा? हल्का हरा होगा। और कुछ जो इनके आपस में अंतर करें उनके बारे में देखते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट देखते हैं, पत्तियों का निचला हिस्सा, पत्तियों का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा जौ की अपेक्षा, जौ की अपेक्षा कम खुरदरा होता है, कम खुरदरा होता है। जो जौ की निचली पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? ज्यादा खुरदरी होती हैं। और गेहूं की जो निचली पत्तियां होती हैं वो जौ की अपेक्षा कम खुरदरी होती हैं। सिंचित अवस्था में 75 किलोग्राम, असिंचित अवस्था में 100 किलोग्राम, ठीक है। जेट की बुक चाहिए बिल्कुल मिलेगी, रविंद्र लामा, आप संस्था के दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी जेट से संबंधित, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जौ की जो पत्तियों का निचला हिस्सा है, जौ की पत्तियों का निचला हिस्सा, पत्तियों का निचला हिस्सा खुरदरा होता है। कैसा होता है? खुरदरा होता है। ये तो अंतर पहचानने की बात है,
वृद्धि जिस समय हो रही हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही हो, जब बालियां निकल आती हैं तब तो आप इजिली पहचान लोगे कि जो जौ की जो बालियां होती हैं, जो जौ की बालियां होती हैं, अगर हम बालियों की बात करें तो जो बालियां होंगी इसमें, इसमें ऑन्स ज्यादा पाए जाएंगे। जो सीकुर होते हैं, सीकुर की बात करें तो ऑन्स इसमें ज्यादा होंगे। ऑन्स ज्यादा और कैसे होंगे, रफ होंगे, ज्यादा और खुरदरे होंगे, खुरदरे होंगे। तो एक ये तो लेटर स्टेज पर हम लोग पहचान लेंगे कि जौ कैसे हो जाते हैं। तो लेटर स्टेज की अगर हम बात करें तो हम बाली देखकर पहचान लेंगे, ठीक है। और गेहूं के अगर हम देखें, बालियों की बात करें, विशेषता देखें बालियों की, तो जो बालियां होती हैं उसमें ऑन्स जो होते हैं, सीकुर होते हैं, वो जौ की अपेक्षा कम होते हैं, जौ की अपेक्षा कम, ठीक है, जौ की अपेक्षा कम होते हैं। तो ये जौ और गेहूं के पौधे में अंतर थे, बहुत ही अच्छे अंतर हैं जिसको हम वृद्धि की अवस्था में पहचान सकते हैं इजिली कि कौन सा गेहूं का पौधा है, कौन सा जौ का पौधा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं कि आज की क्लास हमारी जौ की खेती कंप्लीट हो चुकी है। कल आपके एक नए सेशन में एक नई क्रॉप को लेकर आएंगे, बने रहिएगा आप लोग क्रॉप प्रोडक्शन के इस सेशन में। और इस लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर करिए ताकि आपके हर एक भावी बंधु तक, कृषि विद्यार्थियों तक ये लिंक, ये वीडियो, ये क्लास पहुंच सके, ताकि उनके आगे आने वाले एग्जाम में ये क्लास लाभदायक सिद्ध हो सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।